सो इज़ अप वेलकम टू द चैनल मैं शिवम हैव अ लुक एट द मार्केट्स नाउ बहुत ही इंटरेस्टिंग डे है आज जैसा कि आपको पता ही होगा आज एफ ओ एम सी का मीटिंग है एंड उसमें इंटरेस्ट रेट्स आने वाले हैं एक ये चीज़ है देन अट्ठाइस को जो है जी डी पी सेकेंड क्वार्टर जी डी पी रिजल्ट फॉर यू एस आना है नाउ सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट बाय द वे अगर नेगेटिव आता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम रिसेशन में चले गए उसका ये मतलब होगा कि हम ऑलरेडी छः महीने से रिसेशन में थे एंड हम का मेरा मतलब है यू मार्केट यानी कि हम यहाँ पर क्रिप्टो की भी बात कर सकते हैं टेक्निकली ये थोड़ा सा आप इसको लैगिंग इंडिकेटर समझ सकते हैं ये जीडीपी नंबर्स को क्योंकि ये जो जीडीपी नंबर है ये पिछले तीन महीने का रिजल्ट है राइट पिछले तीन महीने का रिजल्ट दैट मींस ये अगर नेगेटिव आता है तो पिछले तीन महीने नेगेटिव था और उसका पिछला क्वार्टर भी नेगेटिव था तो छः महीने से मार्केट जो है यू की वो टेक्निकली रिसेशन में ऑलरेडी थी आज के बाद क्या वो नेक्स्ट दो क्वार्टर में नेगेटिव रहेगी या नहीं रहेगी ये वक्त बताएगा तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है ये अब मार्केट कितना जल्दी समझ जाती है दैट विल डिक्टेट कि मार्केट्स में क्या होता है ऑन द आज का एक्सपेक्टेशन फ्रंट गाइस एफ के मिनट्स आ जाने हैं एंड इंटरेस्ट रेट हाइक की बात की जा रही है 75 बीपीएस यानी कि 0.75 का एक्सपेक्टेशन है एंड वो एक्सपेक्टेशन में मार्केट ऑलरेडी डाउन है अगर ये 100 बीपीएस यानी कि 1 परसेंट वन होल परसेंट आता है जिसका चांस कम है बट लेट से वो आता है अगर वन परसेंट या हंड्रेड बी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए तो मार्केट एक नेगेटिव मूव लेगी एंड मार्केट में मतलब यानी कि यू एस एस एन पी फाइव हंड्रेड वगैरह की जो मार्केट है वो यहाँ पे एक नेगेटिव मूव यहाँ लेगी इफ़ दिस कम्स आउट टू बी 75 फाइव बी पी एस तो सेवेंटी फाइव बी पी एस में ऐसा हो जाएगा कि मार्केट ऑलरेडी इसको काफ़ी हद तक इन कर चुकी है ऐसा फीलिंग है एंड बिकॉज मार्केट इसको इन कर चुकी है अगर 75 फाइव का ही हाइक आता है तो हम लोगों को या तो ज़्यादा मूवमेंट ना देखने को मिले या एक पॉजिटिव पंप देखने को मिल सकता है एंड वेन आई से पंप आई डोंट मीन टेन ट्वेंटी थर्टी परसेंट एक छोटा सा ऊपर की तरफ हमें मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है अगर सेवेंटी फाइव बी आए जस्ट बिकॉज वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ऑन द बिटकॉइन फ्रंट आप जैसे कि देख सकते हैं हम एक ट्रेंड यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं सो so वहाँ से बेसिकली ये ब्रेक इन ब्रेकआउट या जैसा भी आप इसको बोलना चाहें ब्रेक कर रहा है बिटकॉइन एंड राइट नाउ फोर आर चार्ट में टू हंड्रेड एस एम ए सपोर्ट ले रखा है बिटकॉइन ने इट्स एन इंपोर्टेंट लेवल फोर आर के हिसाब से देखें बट अगर मैं आपको यही चार्ट आवरली में दिखाऊँ तो ट्वेंटी वन डे ई एम ए और फिफ्टी माय माई बैड ट्वेंटी वन डे ई एम ए यहाँ पे एक नेगेटिव मूव क्रिएट कर रहा है बिटकॉइन के लिए एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है जिसको हमने सक्सेसफुली ब्रेक किया था वो एक लेवल ऑफ़ सपोर्ट हो जाता है तो लेवल ऑफ़ सपोर्ट्स में हम किस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं जस्ट इन केस मार्केट टर्न्स नेगेटिव सो फर्स्ट स्ट्रांग सपोर्ट गाइज डेली में अगर हम यहाँ पे देखें तो उन्नीस हज़ार का लेवल बन जाता है सो नाइनटीन थाउजेंड का hold, लेवल बिकम्स एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड इन केस नाइनटीन थाउजेंड डज नॉट होल्ड देन हमें पता बताइए हम सेवनटीन एंड हाफ थाउजेंड डॉलर लेवल यहाँ पे देख रहे हैं एंड एक्सपेक्टेड है नाउ क्या हम साढ़े सत्रह हज़ार पहुँचेंगे टू बी फ्रैंक आई डोंट नो टेक्निकली कोई भी नहीं जानता यहाँ पे तो रैदर देन प्रिडिक्शंस हम यहाँ मैक्रो कंडीशंस और जो टी ए है एंड जो फंडामेंटल्स फंडामेंटल वो क्या कहते हैं उस बेस पे चीज़ें करना प्रेफर करेंगे राइट सो लेवल्स का तो ये आइडिया मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है ऑन द इथीरियम फ्रंट मर्ज की बात करें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इथीरियम के लिए अच्छी हो रही हैं बट ये एक्सपेक्टेड था ये ब्रेक ब्रेकडाउन मैंने पिछले कुछ दिनों में भी शेयर किया है ऑफकोर्स ये एक्सपेक्टेड था बट विद दैट बीग सेड इमीजिएट सपोर्ट लेवल्स फॉर इथीरियम एक स्ट्रॉग सपोर्ट बनेगा बारह सौ पचास डॉलर के लेवल पे इथेरियम के लिए स्पेशली फोर आर में ये टू हंड्रेड पीरियड ऐसे में बन जाता है उसके बाद वन थाउजेंड डॉलर का जो रेंज है दैट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज वेल ऑन द सपोर्ट फ्रंट अपसाइड ऑन इथीरियम्स फ्रंट हम लोगों को पंद्रह सौ डॉलर का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इमीजिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है जस्ट इन केस अगर इथीरियम ऊपर ब्रेकआउट करने की यहाँ पे कोशिश करता है तो, तो ये क्विक अपडेट्स हैं वट वी आर टू लुक एट सो क्विक समरी सेवेंटी फाइव बी पी एस अगर यहाँ पर आता है तो हो सकता है मार्केट कुछ ज़्यादा ना करे, या एक थोड़ा सा पॉजिटिव मूव हमें यहाँ पर दिखा दे। अगर हंड्रेड बी पी एस का रेट हाइक आता है तो दैट विल मीन बेसिकली कि हम यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव जा सकते हैं नाओ कॉन्ट्रेरी टू ये एक चीज़ बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं विच इज़ फिफ्टी बी तो अगर फिफ्टी बी आता है तो मार्केट यहाँ पे पंप ले सकती है क्योंकि मार्केट ने सेवेंटी फाइव को काफ़ी टाइम से एक ऑलमोस्ट एक महीने से यहाँ पर प्राइस इन कर दिया है एंड लास्टली ऑन द रिसेशन फ्रंट ट्वेंटी एट्थ नाउ एट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मेरी थोड़ी सी तबीयत यहाँ पर खराब चल रही है डाउन विद कोविड तो आई एम नॉट श्योर कब वीडियोज बना पाऊँगा कब नहीं तो अभी जैसे फीवर कम है तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन दैट फ्रंट अगर 28 तारीख को जो जी नंबर्स आते हैं अगर वो नेगेटिव सेकेंड क्वार्टर का ग्रोथ आता है यूएस का दैट मींस यूएस पिछले छः महीने से जो है रिसेशन में था ना कि अब जाएगा तो एक लैगिंग इंडिकेटर के हिसाब से आपको सोचना है नाव विदाउट बिंग सेट क्या इसका ये मतलब है कि और रिसेशन आगे नहीं बढ़ेगा ऑफकोर्स नॉट पास्ट रिसेशन जो हैं वो लिटरली कुछ महीनों से लेके डेढ़ दो साल तक भी चले हैं सो वी विल हैव टू सी हाउ दिस वन लास्ट हाउ लॉन्ग दिस लास्ट अगर आप अर्निंग्स की बात करो तो स्नैपचैट का स्टॉक देख लो नेटफ्लिक्स को एक मिलियन सब्सक्राइबर्स का लॉस हुआ है अभी तो ऐसे बहुत सारे क्वार्टरली अर्निंग्स आ रहे हैं जो कि बहुत ही बकवास हैं ना ये है यू की बात इंडियन मार्केट्स का मैं फाइनेंशियल फंडा चैनल पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ बट आप उस चैनल पर सब्सक्राइब कर लें तो जैसी थोड़ी सी तबियत बेट बेटर होती है आई विल मेक अ वीडियो इंडियन मार्केट को मेरा ऐसा मानना है बहुत ज़्यादा अफेक्ट शायद ना करे ये चीज़ें बिकॉज इंडिया के बहुत सारे बिजनेसिस जो हैं दे आर नॉट रिलायंट अ लॉट ऑन लॉट ऑफ दीज अदर सिस्टम्स तो वो थोड़ा सा मैं एक आने वाले किसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा तो ये था इस क्विक अपडेट होप आपको इसमें कुछ वैल्यू मिला होगा अगर ऐसा है तो एज ऑलवेज गैस लाइक बटन पे मुक्का जरूर लगाएं एंड अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें मिलते हैं आपको अगले वीडियो में लेट्स हैव अ लुक कि बिटकॉइन यहाँ पे उन्नीस हज़ार का लेवल टच करता है या नहीं करता है या और ज़्यादा ब्रेकआउट करता है साढ़े सत्रह हज़ार की तरफ बिकॉज टेक्निकल साइड पे यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव सिचुएशन नज़र आ रही है सो so ये चीज़ पे हमारा ध्यान रहेगा एंड आई शेयर ऑल द अपडेट्स टेलीग्राम या ट्विटर पर आप लोगों के साथ टिल देन गाइज टेक केयर